सोशल मीडिया पर मोहब्बत करना हजारीबाग की लड़की को पड़ा महंगा। अगर आप भी सोशल मीडिया पर मिले हैं और मोहब्बत हुई है तो आप सतर्कता बरतें। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बारलोटा लॉज में बीती एक प्रेमी जोड़े ने पहले जहर खाया, फिर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना में युवती की मौत हो गई जबकि युवक बच गया। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसके परिजन उसका इलाज करा रहे हैं। युवती हजारीबाग की रहने वाली थी जबकि युवक गढ़वा जिले का निवासी है। युवती के परिजनों ने शहर थाना में युवक की पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात बारलोटा में लॉज के कमरा में एक छात्रा का शव बरामद किया गया। इसकी पहचान हजारीबाग जिला के पिलावल थाना क्षेत्र के रोमी निवासी मोहम्मद उमर खान की 24 वर्षीय पुत्री सलीना यास्मीन के रूप में हुई है। शहर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसका पोस्टमार्टम PMCH में कराया। शव उसके भाई जुनैद खान को सौंप दिया गया। सदर SDPO संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि हजारीबाग की युवती और गढ़वा के नाबालिग युवक के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार हुआ था। गत 2 सितंबर को लड़की रांची आई थी, यहां से लड़का उसे मेदिनीनगर लाया। लड़का लड़की से शादी करना चाहती थी जबकि युवक नाबालिग होने के कारण हमेशा मना कर रहा था। लड़की उम्र होने के बाद शादी करने को तैयार थी। इसी बीच दोनों के साथ मरने का निर्णय लिया। पहले चूहा मारने की दावा खाई, उससे उनकी मौत नहीं हुई तो उन्होंने 2 फांसी का फंदा तैयार किया, लेकिन लड़के की लंबाई ज़्यादा होने के कारण वह फांसी पर लटक नहीं पाया और लड़की की मौत हो गई। लड़का किसी तरह यहां से भागा और सदर अस्पताल में भर्ती हुआ। अपने परिजन को इसकी जानकारी दी, परिजन से इसकी सूचना पुलिस को मिली। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात सूचना के आधार पर पुलिस बारलोटा स्थित लॉज पहुंचे तो फांसी से लटका हुआ उक्त छात्रा का शव पाया। उस कमरे में जहर की पुड़िया भी गिरी हुई थी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। सलीना 2 सितंबर को हजारीबाग से गायब हो गई थी। खोजबीन के बाद उसके परिजन ने हजारीबाग सदर थाना में मामला भी दर्ज कराया था। छात्रा के भाई जुनैद ने कहा कि गढ़वा के कठौतिया निवासी बजरंग लाल यादव के पुत्र प्रिंस कुमार यादव अपने साथियों की मदद से बहन सलीना अस्मिन को बहला फुसला कर मेदिनीनगर लाया, यहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर जान से मार दिया। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से फांसी के फंदा पर लटका देने का आरोप भी लगाया। बताया है कि घटना स्थल स्थित कमरा में जाने पर पाया कि जहर की पुड़िया गिरा हुआ था। उस कमरा से काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। प्रिंस कुमार यादव अनिल तिवारी के लॉज में किराया पर कमरा लेकर रहता था। बहरहाल सदर थाना के पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतका KB विमेंस कॉलेज हजारीबाग की छात्रा थी। वह BCOM सेमेस्टर 6 में अध्ययनरत थी। 2 सितंबर को सुबह लोगों को वह कॉलेज में प्रोजेक्ट पेपर जमा करने की बात कहकर निकली थी। शाम तक नहीं लौटी तो घर परिवार के लोग परेशान होकर खोजबीन शुरू की। 3 सितंबर को सदर थाना हजारीबाग में मामला दर्ज कराया। खोजबीन जारी ही थी कि शुक्रवार की रात परिवार के लोगों को यास्मीन की मौत होने के संबंधित सूचना थाना से मिली। इसके बाद पुलिस के साथ परिवार के लोग मेदिनीनगर आ गए। वहीं सदर थाना प्रभारी अरुण कुमार माथा ने बताया कि मामला परम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बारोटा स्थित लॉज में प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस बीच प्रेमिका की मौत हो गई और प्रेमी बच गया। बाद में प्रेमी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, हालांकि परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रेमी युवक के परिजन से जानकारी मिलने के बाद पुलिस लॉज पहुंची तो छात्रा के शव फांसी पर लटका मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका छात्रा के भाई ने सदर थाना में मामला दर्ज कराया। सुबह मतलब 2 तारीख को सुबह 9 बजे घर पे बोल के स्कूल के लिए वो निकली, कॉलेज के लिए निकली थी। ठीक है, कॉलेज पे निकलने के बाद वो 9:30 बजे से वो वहाँ पे गई ही नहीं और उसका प्रोजेक्ट भी जमा नहीं किया। उसके बाद 3 तारीख को मतलब सेम डे मतलब 2 तारीख को हम लोग रात में हम लोग कॉलेज में गए तो वहाँ पे उस समय कॉलेज बंद हो चुका था।
और प्लस हम लोग पहले नंबर उसका लगाना स्टार्ट किए तो नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था और ऑफ भी बता रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ थाना में आके मतलब हजारीबाग सदर थाना में आके केस दर्ज करवा दिए, मतलब लिख के दे दिए। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग को मतलब कल ही हम लोग मतलब परसों ही पता चला कि वो रांची के लिए उसका लास्ट लोकेशन ट्राई हो रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से उसके बाद फिर हम लोग कल रात को कॉल आता है, मतलब 4 तारीख ना, कल 4 तारीख को कॉल आता है।